हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको नाइट वेयर शॉर्ट्स बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने ये शॉर्ट्स बनाए हैं। अगर आप इसी तरह का शॉर्ट्स ऑनलाइन देखेंगे या ऑनलाइन परचेज करेंगे तो ये आपको करीब 500 से 600 रुपए के बीच में पड़ेगा। लेकिन मैंने जो ये शॉर्ट्स बनाए हैं, मेरे इसमें मुश्किल से 50 रुपए लगे हैं, क्योंकि मैंने ये बचे हुए कपड़े से बनाया है। मैंने इसके लिए ये रेयन का कपड़ा लिया है और इसको मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से अगर इसको मैं मेजर कर रही हूँ तो ये देखिए, ये 34 इंच करीब आ रहा है। तो 34 इंच यानी कि 1 मीटर से भी कम कपड़ा मेरा ये यूज़ हुआ है। अब मैंने ये अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा निकाल लिया है और इसको 4 फोल्ड में रखा है। ये देखिए, इस तरह से हमें कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। अब ये जो ऊपर फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ पर मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो आप पहले अपना जो इलास्टिक इसमें लगाने वाले हैं उसकी चौड़ाई को नाप लें। तो इसकी चौड़ाई आ रही है 1.25 इंच। तो जितना भी ये चौड़ा इलास्टिक है, इसमें आप आधा इंच एक्स्ट्रा लें मार्जिन के लिए और उस पर निशान लगाएं। तो यहाँ पर 1.25 में मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो ये 1.75 इंच पे करीब मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। और इसको हमें ऊपर को स्ट्रेट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया और इतने हिस्से में हमारा इलास्टिक आएगा और ये इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। देखिए, अब जो मेजरमेंट हम लेंगे लेंथ के लिए, वो यहाँ से नीचे को लेंगे। ये फोल्डेड रहेगा, यानी कि ये जो लाइन खींची है, इससे नीचे को हम इसकी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको शॉर्ट्स के लिए लेंथ चाहिए उतनी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ, तो 13 इंच में इसकी लेंथ ले रही हूँ और 1 इंच दबाने के लिए मार्जिन। तो 14 इंच पे मैंने इसके लिए टोटल लेंथ ली है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से इसके कमर के लिए निशान लगाना है। तो इसमें हम कमर की जगह हिप का राउंड मेजर करते हैं। तो जितना भी आपका हिप राउंड है, उसमें आप 4 इंच की लूजिंग ऐड करें और उसको 4 से डिवाइड कर दें, क्योंकि कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रखा है। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग ऐड करी तो आया 40 इंच, और उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 10 इंच। तो 10 इंच पे मैं 10 इंच पे सर से निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे को आसन के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में आसन है 11 इंच और यहाँ पर बेल्ट भी इंक्लूडेड है। हमें आसन में से बेल्ट को माइनस नहीं करना है। और ये 11 इंच किस तरह से आया है आसन, इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और अब इसको 11 इंच पर निशान लगा के ऊपर को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। अब इस पॉइंट से बाहर को 2 इंच पे एक निशान लगाना है। तो लगभग 2 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। अब इस पॉइंट को नीचे यहाँ कॉर्नर पे स्ट्रेट लाइन से हमें ज्वाइन कर देना है। जितना भी आपको चौड़ा चाहिए उतना आप इसको रखें। अब यहाँ पे क्रॉच का कर्व बनाना है। तो ये मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसको कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद यहाँ पर ऊपर पे थोड़ी सी फोल्ड आ गया है, तो इस फोल्ड को भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। और ये देखिए, ये कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है और ओपन होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब हमें इसके जो दोनों आसन है, यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए, मैंने इसके आसन में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है और इस तरह से ओपन करते हुए यहाँ पर ऐसे करके रख देना है। देखिए, सिलाई जो है आसन बीच में आ गया है। अब ये जो बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पर अंदर का इनर लेग्स वाला, इसको हमें सिल देना है यहाँ पर। तो ये देखिए, मैंने इसका जो नीचे आसन वाला हिस्सा है, इनर लेग्स हैं ये, इसको मैंने सिल दिया है। अब यहाँ ऊपर हमें इलास्टिक लगाना है। तो उसके लिए जो लाइन हमने स्टार्टिंग में खींची थी, इसको हमें कपड़े को फोल्ड करना है। जितनी लाइन है उतने तक हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देना है, फ्रंट और बैक दोनों साइड से। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसमें एक बार प्रेस कर लें ऊपर से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद इसका जो दूसरा वाला हिस्सा है, इसको आधा इंच अंदर पे फोल्ड करना है और इसको भी आप प्रेस करते हुए इस तरह से पूरे में दबाते जाएं। देखिए, पूरे में हमें आधा इंच अंदर को फोल्ड करना है और इसमें प्रेस करते जानी है। पूरी गोलाई में हमें इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसे प्रेस कर दिया। अब इसकी पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ओपनिंग छोड़ते हुए इसके कॉर्नर पे सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, प्रेस करने की वजह से ये बहुत आसानी आपको पड़ेगी इसमें सिलाई लगाने में। बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, देखेंगे तो बिल्कुल झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी ओपनिंग हमें छोड़ देनी है। देखिए, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ओपनिंग छोड़ दी है और इस ओपनिंग से यहाँ से हमें इलास्टिक को इंसर्ट करना है। तो ये मैंने इलास्टिक लिया है। ये आपकी कमर से 1 इंच का कम होना चाहिए।
तो मेरी कमर 28 है, तो मैंने ये 27 इंच का इलास्टिक लिया है। अब यहाँ से हमें इलास्टिक को डालना है एक साइड से और दूसरी साइड से निकाल देना है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इलास्टिक निकाल दिया है। अब एक के ऊपर एक इलास्टिक इस तरह से रखना है और इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें इलास्टिक में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसकी जो कमर वाला हिस्सा इलास्टिक को इस तरह से खींचते जाना है। देखिए इस तरह से आप खींचेंगे तो ये जो गैदर्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो ओपनिंग हमने छोड़ी थी इसको भी आप यहाँ पे सिल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें इलास्टिक लगा दिया है। अब इस इलास्टिक को सिक्योर करने के लिए हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो आप एक जगह से सिलाई लगाना स्टार्ट करें और इलास्टिक को इस तरह से खींचें। देखिए आप, मैं दोनों हाथों से इलास्टिक को खींच रही हूँ, तो दोनों हाथों से हमें इलास्टिक को खींचना है और इसमें सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। देखिए तो खींचते हुए इसको पूरी गोलाई में इसी तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। दो लाइन हमें सिलाई की लगानी है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसमें पूरे कमर में सिलाई लगा दी है और ये इलास्टिक अटैच हो गया है। अब इसमें हमें साइड में लूप बनाना है। तो लूप बनाने के लिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 1.5 इंच की है, 1.5 इंच। अब हमें क्या करना है, इसको एक कोने से 1/2 इंच का फोल्ड करना है और दूसरा कोना भी 1/2 इंच का फोल्ड करना है अंदर को, और इसको एक बार सेंटर से हमें और फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसमें हमें यहाँ कोने पे सिलाई लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको कट करना है। तो जितने भी आपका इलास्टिक की चौड़ाई है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। देखिए तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें इसको कट कर देना है। और अभी सेम इतना ही मेजरमेंट का हमें 2 लूप और कट करने हैं। तो ये टोटल मैंने 3 लूप यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हमें इसको ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आपके जो ये कमर वाला हिस्सा है इसका आप देखिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए दोनों फ्रंट और बैक के इस तरह से रखें, और मिलाने के बाद यहाँ जो साइड में आया यहाँ पर हमें इसका लूप लगाना है। तो आप इसमें चौक से निशान लगा लें कि कहाँ पर हमारा लूप अटैच होगा। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद ये देखिए ये निशान लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमें लूप को इस तरह से रखना है। देखिए बाहर की साइड को मैं यहाँ पर रख रही हूँ और एक सिलाई कोने पर लगानी है। तो 3-4 बार आप इस तरह से सिलाई इसमें लगा लें। तो ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। अब दूसरी वाली साइड का 1/2 इंच अंदर को फोल्ड करना है इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है और ये लूप थोड़ा सा लूज है देखिए यहाँ पर। तो इसी तरह से हमें लूज लूप बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लूप लगा लिए हैं और 2 साइड में और 1 सेंटर में मैंने लूप लगाया है। अब इसके लिए बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने साइड से थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा लिया है और इससे मैं जोड़ करके एक बेल्ट बनाऊंगी बड़ी सी। तो ये देखिए मैंने कपड़े को जोड़ करके एक लंबी सी बेल्ट बना ली है, और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 इंच का मैंने लिया है, जो हमारा इलास्टिक है उसका डबल प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन। तो टोटल ये आया मेरा 3.5। और अब इसको सेंटर से फोल्ड करना है और यहाँ पर इसकी 2 साइडों में हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। कोने पे आप चाहे तो टेढ़ी सिलाई भी लगा सकते हैं इस तरह से डिज़ाइन के लिए टेढ़ा सिल के, और इस तरह से स्ट्रेट सिल देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है यहाँ से, और पूरी बेल्ट में मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है। और एक साइड मैंने ओपन रखी है ताकि यहाँ से हम जो बेल्ट है इसको सीधी तरफ को टर्न कर दें। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सीधी तरफ को बेल्ट को टर्न कर दिया और इसमें प्रेस कर दी है ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। और उसके बाद ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से कपड़े को अंदर को फोल्ड करें, 1/2 इंच का कपड़ा अंदर को फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दें। और अब ये देखिए यहाँ लूप से हमें बेल्ट को निकालना है, सेंटर वाली लूप से निकालें और फिर साइड वाली लूप से निकालें। सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड का भी हमें यहाँ से लूप से निकाल देना है, और फ्रंट वाली साइड से यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हमारी इस तरह से नॉट आ जाएगी। इसके बाद इसका जो नीचे वाला बॉटम वाला हिस्सा है इसको हमें अंदर को डबल फोल्ड कर देना है और ये पूरी गोलाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है, और ये देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में मैंने इसमें सिलाई लगाई है और इसको प्रेस करके इसमें अच्छी फिनिशिंग भी आ गई है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।